नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। मैं मुस्कान मलिक। आईपीएल इस वक्त एक ऐसे रोमांचक दौर पर पहुंच चुका है जहां पर तीन टीम दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स अपनी जगह पक्की कर चुकी है। अब बारी है चौथे स्थान पर पहुंचने की। आरसीबी के खराब प्रदर्शन की वजह से वो पहले ही टीम बाहर हो चुकी है। अब बची बाकी चार टीमें। देखना यह है कि चौथे स्थान पर कौन सी टीम अपनी जगह बना पाती है। अब मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी स्पोर्ट्स छट प्रखर और विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स छट प्रखर से कि आपको क्या लगता है कि चौथे स्थान पर कौन सी टीम अपनी जगह बना सकती है। देखिए मुस्कान, ये इस बार का आईपीएल काफी रोमांचक दौर से गुजर रहा है और एक स्थान के लिए चार टीमें आपस में लड़ रही हैं। और पहले कहा जा रहा था कि आठ जो जीत दर्ज कर लेगी टीम वो क्वालिफाई कर जाएगी, वही क्वालिफाई करेगी, लेकिन अब छह जो जीत रही है वो भी क्वालिफाई कर सकती है। इसी के लिए राजस्थान, कोलकाता, सनराइजर हैदराबाद और पंजाब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांस हैं वो कोलकाता और पंजाब के हैं। कोलकाता और पंजाब के चांस इसलिए हैं कि कोलकाता और पंजाब का रन रेट हाई है और हाई होने के कारण उन्हें बेनिफिट मिलेगा। और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो कोलकाता के हैं, क्योंकि कोलकाता के पास अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका मुंबई से मैच होना है और मुंबई का और कोलकाता का जो मैच है वो लास्ट मैच है। अगर उसमें रन रेट का भी हिसाब बना तब भी कोलकाता उस अकॉर्डिंग खेल सकता है कि वो रन रेट को बढ़ा जाए और अपने आप को क्वालिफाइंग में अंतिम चार में पहुंचा पाए। जैसा कि प्रखर ने कहा कि कोलकाता के चांसेस ज्यादा है चौथे स्थान पर आने के लिए, तो विक्रम आपको क्या लगता है कि कोलकाता आएगी या पंजाब? देखिए बहुत ही रोमांच दौर में है क्योंकि एक सीट बची है और दावेदार चार हैं। जैसे अभी प्रखर ने कहा कि कोलकाता के चांसेस ज्यादा हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोलकाता जिस तरीके से खेल रही है, कल हमने जो देखा कि शुभमन गिल को जब से वो ऊपर लेके आए हैं और सुनील नारायण को उन्होंने फिर से नीचे ले गए हैं, तब से कोलकाता एक अलग ही फ्लेवर में दिख रही है। और शुभमन गिल ने जो परफॉर्मेंस की है, पिछले मैच में भी अर्धशतक लगाया था, इस मैच में भी अर्धशतक लगाया था, और सबसे बड़ी चीज जो है कि आंद्रे रसल पूरा फॉर्म में है। कल भी उन्होंने 14 गेंदों पे जो 24 रन की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली थी, उसने कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि कोलकाता डिजर्व कर रही है कि वो जाए। और सबसे बड़ा उनके साथ एज ये है कि जो प्रखर ने बात कही कि उनको लास्ट मैच खेलना है मुंबई इंडियंस के साथ, ऐसे में जब वो मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे तो उनके पास पेज पे सामने सारा चीज दिनेश कार्तिक के पास कैलकुलेशन होगा कि अगर उन्हें पहुंचना है तो किन किन चीजों की उनको जरूरत है, कितना रन रेट चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कल किंग्स एंड पंजाब के खिलाफ उन्होंने 7 विकेटों से जीत दर्ज की, वो भी आपको बता दूं लास्ट में बहुत तेज खेला और 18 ओवर में ही 183 रन का टारगेट जो चेस किया उससे रन रेट काफी ऊपर चला गया है। तो कहा जा सकता है कि कोलकाता के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन आज जो मैच होना है दिल्ली कैपिटल्स के बीच में वो भी मैच काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराती है तो वहां पे उनसे एक एज मिल सकता है, चांस मिल सकता है। मैं थोड़ा इसमें आ जाऊंगा, हमारा बैट भी गिरा, शायद बैट कह रहा हो कि रसेल का बैट है ये, क्योंकि रसेल अगर फेल होते हैं, मेरे को जो डर है कि अगर रसेल फेल हो गए तो शायद कोलकाता का काम तमाम हो सकता है और फिर सनराइजर हैदराबाद और पंजाब इससे बने रहेंगे। आज के मैच की भी बात करते हैं, आज राजस्थान और दिल्ली का पहला मैच है, राजस्थान को बड़े अंतर से आज का मैच जीतना होगा, तब जाके वो अपनी स्थिति को बरकरार रखता है। और उसके बाद वो उम्मीद करेगा कि सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता और पंजाब अपने अपने मैच हार जाएं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आंद्रे रसल का अगर बल्ला नहीं बोला तो कोलकाता नाइट राइडर्स मुसीबतों में फंसेगा, लेकिन आपने जो बात कही है वो काफी अहम है। सनराइजर्स हैदराबाद का हम थोड़ा सा नाम भूल रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद का नाम इसलिए हम भूल रहे हैं कहीं ना कहीं डेविड वार्नर के आने के बाद और जोनी ब्रेस्टो, जिन्होंने लगातार आपको बता दूं कि 600 से ज्यादा 692 रन डेविड वार्नर ने इतने ही मैचों में बना दिए जिस शायद उसके पास कोई पहुंच भी नहीं पाएगा इस आईपीएल में, तो उन दोनों के हटने से कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, तो इसलिए वो हमारी लिस्ट से बाहर जा रही है। कोलकाता के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस बार वन मैन आर्मी रहा है, 5 मैच कोलकाता ने जो लगातार हारे हैं अगर हम देखें, उससे पहले जो 4 मैच जीते थे उसमें से 3 मैच अकेले आंद्रे रसल ने अपने दम पे जिताए थे, आंद्रे रसल थोड़ा सा भी नहीं चले तो टीमें अपने आप मैच आने लगी। और कोलकाता आज जिस स्थिति में है किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि कोलकाता जिस समय खेल रही थी दिल्ली कैपिटल्स उससे खराब स्थिति में थी, लेकिन वो क्वालिफाई कर गई, लेकिन कोलकाता क्वालिफाई भी नहीं कर पाई और सबसे बड़ी आज वो अंतिम स्थान के लिए काफी लड़ रही है, जो कि टीम 6 में से अपने 5 मैच जीत चुकी थी। प्रखर आपसे एक सवाल था कि क्या रंग में भंग आरसीबी कुछ डाल सकती है? अब उसके पास जीतने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन समीकरण को बदलने के लिए बहुत कुछ बचा है, क्योंकि राजस्थान का समीकरण उसी पे आधारित है, सनराइजर्स हैदराबाद का समीकरण भी कहीं ना कहीं जो रन रेट को लेके है वो उसी पे आधारित है। तो आउट ऑफ चांस इस समय 4 टीमें हैं, सीट 1 है, कोलकाता बहुत बड़ी दावेदार मानते हैं,
लेकिन मुंबई के खिलाफ उसका जो मैच होगा वो काफी अहम होगा। लेकिन आप क्या मानते हैं कि आरसीबी किसी का टेस्ट बिगाड़ सकती है? देखिए सीधा सीधा साफ साफ वो है कि अगर आरसीबी आज मैच जीत जाती है तो सनराइजर हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि सनराइजर आज मैच हारता है तो उनका रन रेट जाहिर सी बात नीचे आएगा, और रन रेट नीचे आने का मतलब वो टूर्नामेंट से बाहर। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनको पंजाब और कोलकाता की तरफ देखना होगा, पंजाब की तरफ नहीं, पंजाब तो शायद अब ना पहुंच पाए, कोलकाता की तरफ देखना होगा, क्योंकि कोलकाता अंतिम मैच खेलेगा और अंतिम मैच में अगर वो जीत जाता है तो जाहिर सी बात है रन रेट उनका ज्यादा होगा, तो फिर वो रन रेट के हिसाब से बात आएगी। आरसीबी का सीधा सीधा मोटिव यही होगा आज के मैच में, विराट कोहली यही चाहेंगे कि टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन अंत में किसी ना किसी को अपने से ज्यादा दुख देकर जाएं। अगर वो दुख देकर जाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे वर्ल्ड कप के कप्तान हैं और वो जीत के जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बिल्ड अपना आईपीएल वो जीत के साथ खत्म करके। प्रखर एक सवाल आपसे पूछने का मन था कि विक्रम जी मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी, अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मैं प्रखर जी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली कैपिटल्स का आपके समीकरण क्या है? देखिए दिल्ली आज जो मैच खेल रही है वो उनके लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली अगर आज का मैच जीतती है तो दिल्ली टॉप टू में इस टूर्नामेंट को समाप्त करेगी। टॉप टू में समाप्त करने का पर्पस ये हो जाएगा कि उनको फाइनल में पहुंचने के लिए, जो कि पहली बार होगा दिल्ली, पहली बार ऐसा हो सकता है कि दिल्ली पहली बार फाइनल पहुंचे, क्योंकि अभी तक दिल्ली कभी भी फाइनल में नहीं पहुंची, अगर फाइनल पहुंचती है तो इस बार टूर्नामेंट उठाने की प्रबलता मैं उन्हें ही मानूंगा और चाहूंगा कि दिल्ली उठाए, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है युवा खिलाड़ियों ने वो वाकई में लाजवाब है। एक सवाल आपसे था, दिल्ली के पीछे गांगुली का कितना हाथ, क्योंकि गांगुली बीच में जुड़े और कहीं ना कहीं दिल्ली को जीत की पटरी पे ऐसा लाए कि वो क्वालिफाई करे। देखिए गांगुली और एक नाम और आप भूल रहे हैं रिकी पोंटिंग, दो नाम ऐसे हैं जो एक अलग मेथड के कप्तान जाने जाते थे, उनका कप्तानी का करने का तरीका ही अलग होता था और वही शायद युवा खिलाड़ियों का जोश, और गांगुली और पोंटिंग जैसे एग्रेसिव खिलाड़ी, हम इनको भी जोशीले खिलाड़ी कहेंगे, जब ये अपने दौर में खेलते थे तो काफी जोशीले कप्तान थे, काफी एग्रेसिव कप्तान थे, वही सब इन चीजों को मिक्स करके एक टीम ऐसी टीम बनी है जो काफी शानदार प्रदर्शन कर रही है। और एक शिखर धवन का नाम आप भूलिए, क्योंकि शिखर धवन पिछले साल राजस्थान सनराइजर हैदराबाद में खेल रहे थे और सनराइजर हैदराबाद से वो दिल्ली में आए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने इस बार का प्रदर्शन किया है वो वाकई में लाजवाब है। अब जैसा कि आपने देखा हमारे सहयोगी प्रखर और विक्रम ने बताया है कि चौथे स्थान के लिए केकेआर दावेदार मानी जा रही है, अब आपको क्या लगता है कि इस चौथे स्थान के लिए कौन सी टीम आनी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल के विजेता टीम कौन होगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।